वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर किशन ओझा आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होने वाला है, क्योंकि जो कमेंट सेक्शन में मैंने पढ़ा है अभी तक के यूट्यूब में, आप लोगों ने बहुत बार ये पूछा है कि मिक्स डिजाइन को कैसे हम लोग रीड आउट कर सकते हैं, उसके रिजल्ट को कैसे रीड आउट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड आज ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मिक्स डिजाइन में एक्चुअली हमको जो टेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलते हैं और उनके क्या क्या स्टैंडर्ड फैक्टर्स होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स को हम लोग कैसे रीड आउट करते हैं, कैसे हम जानेंगे कि हम जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट यूज करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो मिक्स डिजाइन करवाने वाले हैं M25 ग्रेड का, तो उसके लिए हम लोग मिक्स डिजाइन जो आता है हमारे पास टेस्ट रिजल्ट उसको कैसे वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सीमेंट की, यहाँ पे हम अल्ट्राटेक PST सीमेंट यूज कर रहे हैं, जिसकी आपकी स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी सबसे पहले चेक की जाती है, जो कि आपके परसेंट में रेंज होता है 33%। ये जो रेंज होता है वो 26 से 33% तक का होता है, मतलब वहां तक के हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो कंसिस्टेंसी वो होता है कि द अमाउंट ऑफ वॉटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ सीमेंट पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी, आपकी कंसिस्टेंसी हमेशा वही रहती है चाहे आप उसको कहीं भी यूज करो। मतलब कि जो सीमेंट पेस्ट हम लोग को बनाना है उसमें जो क्वांटिटी ऑफ वाटर हम लोग ऐड करने वाले हैं उसको हम लोग एज पर स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के थ्रू निकालते हैं। इसको निकालने के लिए जस्ट हम लोग एक 10 mm का प्लंजर यूज करते हैं, जो कि आपके 50 मीटर लेंथ का होता है। अगर मैं पेनिट्रेशन की बात करूं तो विकेट मोल्ड ऑपरेटर्स के हेल्प से हम लोग इसको बनाते हैं और वो जो आपका पेनिट्रेशन होता है वो 33 से 37 mm तक के लिए होता है। तो अगर मैं रेंज की बात करूं तो 33% जो कि आपकी परमिसिबल है। अगर मैं बात करूं इनिशियल सेटिंग टाइम की मिनट्स में, तो आप लोगों ने कॉलेजेस में सुना होगा बहुत कि इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है वो आपका जब आपका सीमेंट में हम लोग वाटर ऐड करते हैं उसके बाद जब हमारा सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी लूज करना स्टार्ट करता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है 30 मिनट्स पर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो स्टैंडर्ड रिजल्ट आए हैं वो 85 मिनट्स आए, मतलब ये वैरी कर सकता है। अगर मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूं तो वो आपका 30 मिनट्स ही होता है। अगर फाइनल सेटिंग टाइम की बात करूं, मतलब मेरा जो सीमेंट मोर्टार है या जो सीमेंट पेस्ट है वो हार्डन्ड स्टेट में चले गया, मतलब वहां पे उसने कंप्लीटली अपनी प्लास्टिसिटी लूज कर दी है, उसके लिए जो हम लोग स्टैंडर्ड पढ़ते हैं वो 10 आवर्स पढ़ते हैं। बट यहाँ आप देख पा रहे हैं कि मेरे पास 210 मिनट्स है, तो ये टोटली आपके टेस्ट रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इसको भी हम लोग विकेट ऑपरेटर्स के हेल्प से ही निकालते हैं। थर्ड, अगर मैं बात करूं फाइननेस की, तो आपने देखा होगा कि एक 90 माइक्रोन की सीव आती है, उसमें मैं अपने सीमेंट पार्टिकल्स, जो सीमेंट मेरे पास रहता है उसको मैं उसमें छानता हूं। छानने के बाद जितने मेरे रिटेन हो गए उसका मैं वेट निकालता हूं और जितने पास हो गए उसका वेट निकालता हूं। क्यों करते हैं हम लोग ये टेस्ट? जनरली जितने फाइन पार्टिकल्स होंगे आपके सीमेंट में उतने ही आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा, इसलिए हम लोग फाइननेस टेस्ट देखते हैं, जो कि आपका 10% से हमेशा कम होना चाहिए, 90% आपका पास हो जाना चाहिए, वही आपका फाइननेस टेस्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 4.5 हमारा रिजल्ट आया है। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपकी है 3.05। अब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? जनरली हम लोग इसका जो रेशियो निकालते हैं वो होता है आपका कि जो डेंसिटी रहती है आपकी सीमेंट की, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सीमेंट से। मतलब दोनों की डेंसिटी अलग अलग वैरी हो सकती है। वैसे अगर मैं डेंसिटीज की बात करूं, उसके बाद आप अल्टीमेट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ एवरेज ऑफ 3 स्टैंडर्ड सीमेंट मोर्टार क्यूब्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग को क्यूब्स प्रिपेयर करना होता है जो आप 3 डेज 7 डेज और 28 डेज में टेस्ट करते हैं, वहां से आपको अगर M25 का रेशियो आप ले रहे हैं तो M25 के लिए आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आनी चाहिए 25, जो कि हम लोग 7 डेज में ही अचीव कर लिए हैं इस टेस्ट रिजल्ट्स के अकॉर्डिंगली। तो वो सब चीजें आपको यहां से देखने को मिलेगी। तो ये बात हुई आपके सीमेंट की, क्या क्या टेस्ट करते हैं, क्या क्या रिजल्ट हम लोग उसमें देखते हैं। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट की बात करूं तो बल्क डेंसिटी जो होती है आपकी वो होती है यहां से निकल के आई आपकी 1572, जबकि अगर मैं स्टैंडर्ड सैंड की अगर बात करूं, फाइन एग्रीगेट की बात करूं, तो हम लोग लेते हैं एनोर डिस्ट्रिक्ट से।
एंड नॉर्म में जो हमको सैंड मिलता है उसकी स्टैंडर्ड जो हम लोग डेंसिटी लेते हैं वो लेते हैं आपका 1450 केजी पर मीटर क्यूब पर। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है 1572। तो ये आपके मटेरियल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंगली चेंज भी होता है। वहीं पे आपकी रॉडेड डेंसिटी है 1684, वैसी सेकेंड स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो डेंसिटी आई है और मैं उसको डिवाइड कर दूंगा मेरी स्टैंडर्ड डेंसिटी से तो मेरे को स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी जो कि होगी आपकी 2.64, जो जनरली रेंज करती है आपकी 2.6 से 2.8 तक में वैरी कर सकता है। यहाँ पे अगर मैं फाइनेंस मॉड्यूलस की बात करूं तो फाइनेंस मॉड्यूलस जो हम लोग जनरली जो सीव का एनालिसिस करते हैं सीव एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम यहाँ 2.37 है उसके अकॉर्डिंगली उसका जोन डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो फाइनेंस मॉड्यूलस है वो जनरली आपके जोन डिसाइड करने के काम आता है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि आपका जो सीव एनालिसिस था जो हम लोग ने ग्रेडिंग किया तो 10 mm, 4.75 mm, 2.36 mm, 1.18 mm, 600 microns, 300 microns और 150 microns। तो अगर मैं सैंड की बात करूं तो वो ऐसे एग्रीगेट्स होते हैं जो 4.75 mm की सीव से पास हो जाते हैं, उनको हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो फाइन एग्रीगेट में आप देख पा रहे हैं कि 10 mm से लगभग 99% आपकी जो सैंड है वो पास हो गई, 4.75 से आपकी 93%, 2.36 से आपकी 88%। तो यहां से हम लोग परसेंटेज वाइज देखते हैं कि हमारा जो फाइन एग्रीगेट है वो कितना फाइन है, कितना सैंड पार्टिकल्स है, वो कितने वॉइड्स उसमें कम हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वाटर एब्जॉर्प्शन की और मॉइस्चर कंटेंट की, ये मॉइस्चर कंटेंट और वाटर एब्जॉर्प्शन को निकालने का मतलब ये है, ये डायरेक्टली आपके वाटर सीमेंट रेशियो पे डिपेंड करता है कि हमारा सैंड कितना पानी सोख सकता है, वो चीज हम लोग वाटर एब्जॉर्प्शन के थ्रू निकालते हैं थ्रू बल्किंग, बल्किंग ऑफ सैंड। आपने सुना होगा एक टेस्ट के बारे में, वहां से हम लोग इसकी वैल्यू निकालते हैं कि कितना वाटर ये एब्जॉर्ब करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स एग्रीगेट की, तो कोर्स एग्रीगेट के भी केस में मेरे को सबसे पहले बल्क डेंसिटी निकालना होता है। डेंसिटी निकालने के लिए मेरे पास 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर मैं M25 की बात कर रहा हूं, मतलब ये RCC वर्क के लिए है, RCC वर्क के लिए हम लोग जनरली 20 mm और 10 mm के ही एग्रीगेट यूज करते हैं। अगर मैं PCC की बात करूं तो वहां पे हमारा 40 mm, 20 mm और 10 mm के एग्रीगेट यूज होते हैं। जनरली 20 mm में 10 mm के एग्रीगेट यूज करने का मतलब ये है कि 20 mm एग्रीगेट में आपकी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, पर उसमें जो वॉइड्स है उनको फिल करने के लिए हम लोग 10 mm के एग्रीगेट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसका जो डेंसिटी आया है वो 1468 और 10 mm के लिए आया है 1383। स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोगों ने निकाल लिया, स्टैंडर्ड जो था और जो हमारा एक्चुअल डेंसिटी है उनको डिवाइड कर दिया, वहां से हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल के आ गई। अब नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस मॉड्यूलस, जस्ट मैं ग्रेडिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर उसमें भी कितना मॉइस्चर कंटेंट है, कितना वाटर एब्जॉर्प्शन है, वो सब वैल्यू मेरे को यहाँ से मिल जाती है। सिमिलरली उसका भी मैं सीव एनालिसिस करूंगा, सीव एनालिसिस में आप देख पा रहे हैं कि 4.75 mm से जो रिटेन हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी परसेंटेज नहीं है, मतलब सब 4.75 के ऊपर ही है, मतलब 20 mm साइज के और 10 mm साइज के। तो यहां से हम उनकी ग्रेडिंग निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पे कंप्लीटली मिक्स डिजाइन। अब हम लोग आते हैं कि मेरे पास सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की सब मटेरियल्स की हर एक क्वांटिटी मेरे को मिल गई है, तो अब मेरे को मिक्स डिजाइन करना है विद अल्ट्राटेक PS सीमेंट। तो वहां पे सबसे पहले जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इन द फील्ड है 28 डेज, जो कि आ गया था मेरा 25 MPa। फिर जो मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट जो मैं यूज कर रहा हूँ वो 20 mm का कर रहा हूँ। थर्ड जो हम लोग चेक करते हैं कंक्रीट में वो करते हैं डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, जो कि हम लोग श्रम कोण टेस्ट की हेल्प से यूज करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था वर्केबिलिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं श्रम कोण टेस्ट की हेल्प से। वहां से मेरा जो स्लंप निकल के आया है वो 100 से 110 mm है, जो जनरली मैं आरसीसी वर्क में यूज कर सकता हूं। वैसे ही अगर मैं डिग्री ऑफ क्वालिटी कंट्रोल की बात करूं तो मतलब जो आप यूज कर रहे हैं एग्रीगेट, सीमेंट और सैंड, उसकी क्वालिटी कैसी है। अगर मैं बात करूं सैंड की
तो फाइन पार्टिकल्स होने चाहिए, शाइनी होनी चाहिए थोड़े से। वैसे ही आपका एग्रीगेट की बात करूं तो जेली गिट्टी आती है, जेली गिट्टी की जो आप थोड़ी ब्लैकिश रहती है उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा रहती है और वही यूज करना चाहिए। आपने एक व्हाइट गिट्टी भी देखा होगा, अगर व्हाइट गिट्टी में बात करूं तो उसकी स्ट्रेंथ जो इंपैक्ट वैल्यू रहती है उसकी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पे जो हम लोग मटेरियल्स यूज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसके टाइप ऑफ एक्सपोजर भी अच्छा है कि सल्फेट अटैक्स कोरोजन वगैरह सब आपको देगा। वैसे मिनिमम सीमेंट जो है आपका 320 है केजी पर मीटर क्यूब में, और मैक्सिमम वाटर सीमेंट जो इस कंडीशन के हिसाब से जो आप वाटर सीमेंट यूज कर सकते हैं वो 0.5 से 0.6 तक के यूज कर सकते हैं, जो कि आपका स्पेसिफाइड भी है कि हमको 0.4 से 0.65 तक के हम लोग वाटर सीमेंट रेशियो यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको जो रेंज मिल गई वो मिल गई 0.5 से 0.6 तक के। अब टेस्ट डाटा कंट्रोल हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो टेस्ट निकल के आया उसका डेटा कैसा आया। सबसे पहले जो हम लोग सीमेंट यूज कर रहे हैं वो अल्ट्राटेक का यूज कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गई। जो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर रहे हैं 40 mm, 20 mm, 12 mm और 10 mm, यहाँ पे हम लोग सिर्फ 20 mm और 10 mm ही यूज कर रहे हैं कोर्स एग्रीगेट में, उसका भी मेरे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया है। फिर फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूं तो 2.64। अब सैंड कोरेस्पॉन्ड्स टू जोन, अब जोन के अकॉर्डिंगली जो हमने उसका फाइनेस मॉड्यूलस निकाला और उसका जो सीव एनालिसिस किया उस एनालिसिस के अकॉर्डिंगली हम लोग जोन डिसाइड करते हैं, जो कि आ गया आपका जोन 3, जो कि हम लोग जनरली यूज करते हैं आरसीसी वर्क के लिए। ठीक है, फिर टारगेट मीन स्ट्रेंथ सिलेक्शन ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द अबव स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। यहाँ पे जो अबव मेरे पास जो ये रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मेरे को जो वाटर सीमेंट रेशियो लेना है वो 0.50 लेना है। जैसे कि पहले वीडियोस में मैंने जो बताया था आपकी वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग कैसे निकालते हैं, वहां पे जो मैंने वाटर सीमेंट रेशियो लिया था उसमें हमें से क्वेश्चन किया गया था कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वाटर सीमेंट रेशियो कहां से आपको कितना लेना है। तो आप जो यहां पे मिक्स डिजाइन करवाते हैं वहां से आपको वाटर सीमेंट रेशियो मिल जाता है कि आपको 0.50 यूज करना है। अब सिलेक्शन ऑफ वाटर पर क्यूबिक मीटर, मतलब पर क्यूबिक मीटर के लिए आपको जो पानी की वॉल्यूम लगेगा वो लगेगा 180 लीटर, ये सब रिजल्ट आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि मैं रिजल्ट के बाद मैं क्या करता हूँ कि मैं पूरा डिटर्मिनेशन करता हूँ सीमेंट कंटेंट की, फिर उसके बाद मैं उसके अकॉर्डिंगली उसका सैंड और एग्रीगेट के लिए भी जो एडमिक्सचर यूज कर रहे हैं उन सब के लिए मैं एक रिजल्ट तैयार करता हूँ, जो मेरा ये फाइनल रिजल्ट है मिक्स डिजाइन फॉर M25 ग्रेड विद अल्ट्राटेक PSC। जैसे अगर मैं M25 की बात करूं तो आपने सुना होगा कि उसका जो रेशियो रहता है वो 1:1:2 रहता है, पर जो मैं मटेरियल यूज कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंगली मेरा रेशियो क्या चेंज हो जाता है वो यहां से मैं देख पाऊंगा। देखिए, वाटर जो मेरे को यूज करना है वो वाटर सीमेंट रेशियो 0.50 का यूज करना है, जो सीमेंट आ गया मेरे पास रेशियो 1, फाइन एग्रीगेट जो सैंड यूज करने वाले उसके लिए 1.84 और कोर्स एग्रीगेट के लिए 3.40, जिसमें आपका 60% और 40% जो यहां देख पा रहे हैं 60% आपके 20 mm एग्रीगेट रहेंगे और 40% आपके 10 mm एग्रीगेट रहेंगे। मतलब अगर आपकी टोटल क्वांटिटी आती है 1 m³ तो उसमें से आपका 60 मतलब 0.6 m³ 20 mm के एग्रीगेट रहेंगे और 0.4 m³ आपके 10 mm के एग्रीगेट रहेंगे। तो यहां से हम लोग पूरा रिजल्ट को मैच करते हैं। यहां पे तो मैंने आपको बता दिया कि ये रिजल्ट हम लोग रीड आउट कैसे करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अगर इस वीडियो में अगर मेरे को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो मैं आप लोगों को कंप्लीटली ये वाटर के लिए हम लोग जो सीमेंट सैंड एग्रीगेट के लिए जो मिक्स डिजाइन करते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं वो कैसे करते हैं वो मैं आप लोग के लिए नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल लेके आऊंगा। जस्ट मेरे को यहाँ जो मिक्स डिजाइन मिलता है मेरे को इसको समझना पड़ेगा कि मेरे पास जो अब यहाँ रेशियो जो चेंज हो क्या है उस रेशियो के अकॉर्डिंगली अब मैं आगे काम कराऊंगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए नए नए सीखने के लिए लाते रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये टॉपिक अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और अगर आप नए हैं इस चैनल में तो आप सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे ही टॉपिक आप लोगों के लिए मैं लाते रहूंगा, तब तक के लिए बने रहिएगा सिविल गुरुजी के साथ। करना है खास तो चलो हमारे साथ, करना है खास तो चलो हमारे साथ।
सिविल की बात गुरुजी के साथ।